आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ताजनगरी में कोविड 19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए अखिल भारत हिंदू महासभा ने थाना कोतवाली हिंग की मंडी में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महासभा के पदाधिकारियों ने पुलिस कर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। लगातार बढ़े कोविड 19 को लेकर ताजनगरी में प्रशासन सख्त होता हुआ नजर आ रहा है और उसका रिजल्ट आपको ये बाजार है वहाँ देखने को मिल रहा है। लोग बाग मास्क के प्रति जागरूक दिखाई दे रहे हैं और जो दुकानदार हैं वो मास्क लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादातर दुकानदार मास्क लेकर जागरूक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो दुकान और जो राहगीर और जो बाइक पर जो लोग चल रहे हैं वो भी मास्क का इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसकी एक वजह यह है कि पुलिस प्रशासन द्वारा जो सख्ती दिखाई जा रही थी मास्क को लेकर, वो बाजारों में अब देखने को मिल रही है। लोग बाग जागरूक होते हुए नजर आ रहे हैं और मास्क पहन रहे हैं और कोविड 19 के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आइए इस वक्त हमारे साथ हैं यहाँ के जो व्यापारी हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग बाग और क्या सख्ती है पुलिस की। क्या नाम है सर? मैं विक्की, बोगीपुरा बाजार कमेटी अध्यक्ष। मास्क को लेकर जो अभी जो सख्ती यानी पुलिस दिखा रही है, क्या लगता है उसको देखकर लोग यानी जागरूक हो रहे हैं? पुलिस अभी जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जो चालान हो रहे हैं 500 रुपये का या फिर 10 घंटे की थाने में जो सज़ा मिल रही है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मुझे लगता है इसी वजह से जो पूरे मार्केट में लोग अपना मास्क लगा के चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और दूसरा, अभी आपको पता है कि कोरोना फिर से बढ़ रहा है दिल्ली में। आप देखें तो पिछले एक घंटे हर घंटे आपको मौत मिलेगी, 24 घंटे में 24 मौतें हो रही हैं। तो इस वजह से कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ भी गया है और हम लोगों को देखना चाहिए अगर हम कहीं मार्केट वगैरह में जा रहे हैं तो सर मास्क वगैरह लगा के जाए जहाँ भी जाए। क्या नाम है? प्रकाश। मास्क को लेकर क्या कहना है आपको? नहीं, मास्क की तो बहुत अच्छी सुविधा निकाली है क्योंकि अपना ही फ्लैश है एक तरह से, और मास्क हर किसी को पहनना चाहिए जी। तो आपने देखा कि जिस तरह से लोग बाग यानी मास्क को लेकर जागरूक हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से या एडवर्टाइजमेंट कंपनी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों से अपील की जा रही है कि आप खुद के लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मास्क पहनें और सतर्क रहें। अपने साथी गणेश के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़ आगरा।